रायसेन से हमारे संवाददाता अंकुर यादव की रिपोर्ट। किन्नरों की कलश यात्रा रायसेन में, रायसेन के पूरे भारत देश के अखिल भारतीय किन्नर जुटे, देश की एकता और अखंडता के लिए मांगी दुआ। तिरंगे के लिहाज पहनकर हाथ में थामा तिरंगा परवीन आकर्षण का केंद्र रही। देश की अखंडता और एकता के पर्याय कहे जाने वाले तिरंगे का लिवाज में तिरंगा हाथ में थामे अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन में चल रही है किन्नर परवीन सभी को आकर्षण का केंद्र रही। बता दें कि रायसेन जिला मुख्यालय पर 11 दिवसीय अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का मकसद देश में सुख शांति और समृद्धि के साथ साथ आपसी सद्भाव और एकता को लेकर सामूहिक दुआ मांगना है। साथ ही में जो किन्नर बीते वर्षों में इस दुनिया को छोड़ गए उनकी याद में पूजा अर्चना के साथ शांति प्राप्त हो उनके लिए, इसलिए विभिन्न धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। रविवार को इस क्रम में स्थानीय शगुन गार्डन में गंज बाजार स्थित काली मंदिर में पीतल का घंटा जल से और जुलूस के साथ चढ़ाया गया। इस मौके पर शहरवासियों ने पूरे देश में से जुटे किन्नरों को पुष्प बरसाकर स्वागत किया। समूचे समाज की भलाई के लिए किन्नर समाज ऐसे आयोजन करता है। किन्नरों का मानना है कि हमारा परिवार समूचा देश है और देश की भलाई और एकता के लिए सामूहिक पूजा अर्चना कर ईश्वर से दुआ मांगते हैं कि समाज में सद्भाव बना रहे। रायसेन से हमारे संवाददाता अंकुर यादव की ये स्पेशल रिपोर्ट। हमने इसलिए पहना, हमारे किन्नरों की कलश यात्रा निकल रही है, ये देश की धरोहर है, सुन नहीं, देश की धरोहर है, इसलिए पहना खुशी मना के कि सबसे आगे तिरंगा प्यारा, कि विश्व विजय तिरंगा प्यारा, ये धरोहर है देश की, तिरंगा यही तो शान है देश का, हिंदू वासियों का, हिंदुस्तान की जनता का, है के नहीं हैं। हम 15 अगस्त 26 जनवरी में सब मनाती हूँ, इसी गेटअप में बनाती हूँ मैं, क्योंकि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हिंदी हम वतन हिंदुस्तान हमारा, हम तो बंदे मांगे सबकी खैर, अपनी सबसे दोस्ती नहीं किसी से बेर, और हम कहते दुनिया में सुकून शांति रहे, माता बहनों के सुहाग चूड़े बने रहे। हम एक अखिल भारतीय किन्नर सम्मेलन में रायसेन उदयपुरा से हमारे संवाददाता रजत शर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस विधायक का बड़ा बयान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के विधायक का बड़ा बयान, नेताओं को राम मंदिर की राजनीति में नहीं करना चाहिए, यह सनातन के शंकराचार्य का काम है। और कर्ज तो सरकार, कांग्रेस सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह 75,000 माफ किए हैं। होशंगाबाद लोकसभा के उदयपुरा विधानसभा में जनसंपर्क के दौरान देवेंद्र पटेल का बड़ा बयान, कमलनाथ के विधायक ने कहा है कि नेताओं को राम मंदिर की राजनीति छोड़ देना चाहिए, मंदिर ना मोदी बनाएंगे ना राहुल गांधी, मंदिर के सनातन धर्म के चारों शंकराचार्य को बनाना चाहिए। वहीं मोदी पर निशाना साधते हुए कहा है पहले काला धन बुलवाएं, 15 लाख खातों में डालें। वहीं कहा कि पुलवामा के फर्जी स्ट्राइक से जीतना चाहते हैं। वहीं देवेंद्र पटेल ने कर्ज माफी को लेकर कहा कि कमलनाथ सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी 75,000 का कर्ज माफ किया है। उक्त बात देवेंद्र पटेल ने होशंगाबाद लोकसभा की किस धारा 370 हटेगी, काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए हर किसान खाते में आएंगे, इसके बाद में अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। मेरे साथियों, इस चैनल के माध्यम से हमारे उदयपुरा की जनता को बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में और पूरे हिंदुस्तान में अगर मोदी जिस आधार पर आए थे, उन्होंने एक भी वचन का पालन तो अगल है, अगर उन्होंने एक विषय में सोचा तक नहीं है, सिर्फ एक मत हमारे पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने ये जो नोटबंदी की है, वो नोटबंदी इतनी खतरनाक लगी कि आज हिंदुस्तान के लिए और मध्य प्रदेश के लिए उन्होंने 10 और 20 साल पीछे कर दिया। पुलवामा को लेकर ये तो योजनाबद्ध तरीके है, गोधरा कांड से मोदी बन गए और पुलवामा से फिर से प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करना चाहते, लेकिन हमारे हिंदुस्तान की जनता जानने लगी है कि ये पाखंडी हैं, ये भ्रामक फैलाते हैं और ये राज करना नहीं चाहते, संप्रदाय पैदा करके ये राष्ट्र पर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है। साथियों, ये बहुत भ्रष्ट हैं और ये हमेशा, अब नीरव मोदी कहो, इनके साथ में कितने कितने लोग विदेश भाग गए उस पर, लेकिन यहाँ की जनता, हमारे हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है। और आज बनारस में देखो, मोदी को घुसने नहीं दे रहे लोग। मेरा आपसे निवेदन है,
कि मेरा आपसे निवेदन है कि पूरे हिंदुस्तान में आज मोदी को जैसे बनाने की लहर थी, मिटाने की लहर चल चुकी है। बैतूल चिचोली से हमारे संवाददाता सुरेंद्र बाबने की रिपोर्ट। चिचोली ब्लॉक के ग्राम चूड़िया में तहसीलदार ने पकड़ी बोरिंग मशीन, अवैध रूप से खनन कर रही थी बोर। ग्राम कोटबार और ग्रामीणों ने सूचना पर की कार्रवाई, तहसीलदार और राजस्व विभाग की टीम की कार्रवाई, पुलिस थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट। धारा 188-34 भारतीय दंड विधान पेयजल अधिनियम 9 मध्य प्रदेश के तहत कलेक्टर तरुण थ्योर के द्वारा यह बोरवेल प्रतिबंधित है जून तक।